हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, हाल ही में हमने दो सक्सेसफुल मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में ना बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो इसमें हमने 61 मेडल जीता है, जिसमें से ना गाइस 22 गोल्ड मेडल भी मौजूद था। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 61 मेडल हमने जीता था ना गाइस, वो आया था विदाउट शूटिंग एंड आर्चरी से। ओके, तो देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाए, एशियन गेम्स हो जाए ना गाइस, हम शूटिंग एंड आर्चरी में बहुत ही अच्छे हैं। एंड हमारा जो 61 मेडल आया था विदाउट शूटिंग एंड आर्चरी से आया था, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो अगर शूटिंग और आर्चरी ऐड होता कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमारे मेडल ना गाइस 80-90 तक जला जाता। तो गाइस देखो, हमने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया है 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स पे। एंड ऑल्सो गाइस, इस साल जो एशियन गेम्स हुआ था इस पर भी हमने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस किया है गाइस। टोटल हमने 107 मेडल जीता है, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल भी था। तो सवाल तो आपके मन में आता है, कैसा रहेगा हमारी पेरिस ओलंपिक में, कितना मेडल हम जीत सकते हैं पेरिस ओलंपिक में? तो आज की वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में घुस के आपको जानेंगे। तो पहले देखो, 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम की जो टॉप परफॉर्मेंस की बात करें, जिस स्पोर्ट्स पे हमारा सबसे ज्यादा मेडल आया था, तो इसके हम देख लेते हैं। देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम में ना रेसलिंग से हमारे सबसे ज्यादा मेडल आया था, 12 मेडल आया था रेसलिंग से, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल था। देन वेट लिफ्टिंग से 10 मेडल आया था, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल था। इसके बाद टेबल टेनिस से 7 मेडल आया था, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल था। देन बॉक्सिंग में से 7 मेडल आया था विथ 3 गोल्ड मेडल। देन बैडमिंटन में से भी 6 मेडल आया था विथ 3 गोल्ड मेडल। एंड एथलेटिक्स में भी 8 मेडल आया था विथ 1 गोल्ड मेडल। एंड एशियन गेम्स की अगर बात करें तो शूटिंग में से हमारे 22 मेडल आया था विथ 7 गोल्ड मेडल। एथलेटिक्स से 29 मेडल आया था विथ 6 गोल्ड मेडल। आर्चरी से 9 मेडल आया था विथ 5 गोल्ड मेडल। देन स्क्वाश से भी 5 मेडल आया था विथ 2 गोल्ड मेडल। देन क्रिकेट एंड कबड्डी से भी 2-2 मेडल आया था, दोनों गोल्ड मेडल ही था। देन बैडमिंटन से भी 3 मेडल आया था विथ 1 गोल्ड मेडल। देन इक्वेस्ट्रियन में से भी 2 मेडल आया था विथ 1 गोल्ड मेडल। तो देखो, अभी बहुत सारे जो इवेंट्स है वो अभी कैंसिल आउट होंगे पेरिस ओलंपिक के लिए। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो ओलंपिक में ना कौन से स्पोर्ट्स में हमारा डोमिनेंस था। देखो, अभी तक हमने टोटल जितना भी ओलंपिक हुआ है, हर एक ओलंपिक को मिलाकर ना टोटल ओनली 35 मेडल ही जीता है, जिसमें से 10 ही गोल्ड मेडल मौजूद है। हमने सबसे ज़्यादा मेडल जिस स्पोर्ट्स में जीता है ना, वो है फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी में से हमने 12 मेडल जीते हैं। देन शूटिंग है, शूटिंग में से हमने 4 मेडल जीते हैं। देन एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में से भी हमने 3 मेडल जीते हैं। देन इसके बाद रेसलिंग है, रेसलिंग में से 7 मेडल जीते हैं। बैडमिंटन है, बैडमिंटन में से 3 मेडल जीते हैं। देन इसके बाद रेसलिंग है, रेसलिंग में से भी 2 मेडल जीते हैं। देन इसके बाद बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में से भी हमने 3 मेडल जीते हैं। देन टेनिस है, टेनिस में से भी हमने 1 मेडल जीता है। तो दिस इज़ द 8 स्पोर्ट जो हमने अभी तक ओलंपिक में मेडल आया है। इसके अलावा और भी कोई स्पोर्ट्स में हमारी कोई भी मेडल नहीं आया है गाइस। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो 2024 की जो पेरिस ओलंपिक है, इन्हीं 8 स्पोर्ट्स से ही मेडल आएंगे। तो हम पहले बात करते हैं फील्ड हॉकी के बारे में। क्या फील्ड हॉकी में हमारे मेडल 2024 की पेरिस ओलंपिक में आ सकता है? तो देखो, पेरिस ओलंपिक में मेंस एंड वोमेंस दोनों टीमें पार्टिसिपेट शायद करेंगे। हमारी मेंस टीम तो क्वालिफाई कर चुके हैं, बट वोमेंस टीम अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है। एंड बात करें रैंकिंग की, देखो इंडिया की मेंस फील्ड हॉकी की अभी करंट रैंक है 3rd पोजीशन पर। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर सिल्वर जीता था, देन एशियन गेम्स के टाइम पर हमने गोल्ड मेडल जीता था। एंड प्रोबेबली बात करें ना, तो मुझे लगता है गाइस हम पेरिस ओलंपिक में सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं। एंड मैं सिल्वर इसको काउंट करता हूँ, तो एक मेडल तो कन्फर्म है कि फील्ड हॉकी से आ सकता है। देन शूटिंग की बात करें, इस साल एशियन गेम्स में हमने हिस्टोरिकली 7 गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम उसको थोड़ा, जो गोल्ड मेडल जीता है उसको थोड़ा हम ब्रेक डाउन करें, शूटिंग की इवेंट्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें, तो हमें देखने को मिलता है ना गाइस, 7 गोल्ड मेडल में से ना 5 गोल्ड मेडल टीम इवेंट से आया है। एंड शॉकिंग बात आपको मैं बताऊँ, जो टीम इवेंट है ना, टीम इवेंट ओलंपिक में नहीं है। तो गाइस बात करें कितना मेडल हम जीत सकते हैं पेरिस ओलंपिक में शूटिंग से, तो देखो गाइस, मे बी हमने जो गोल्ड मेडल है वो ज़्यादा हमने टीम इवेंट पर जीता है, बट इसके बावजूद भी हम 3 मेडल शूटिंग से जीत सकते हैं 2024 की पेरिस ओलंपिक में। एक गोल्ड मेडल हो सकता है, एक सिल्वर मेडल हो सकता है, एंड एक ब्रॉन्ज मेडल हो सकता है। मुझे लगता है स्विफ्ट कॉर जो है वो इंडिया के लिए 50 मीटर एयर राइफल में एक मेडल जीत सकता है। जिसके बाद पलक गुलिया है वो भी इंडिया के लिए मेडल जीत सकता है। एंड इसके बाद एक और मेडल ओवरऑल आएंगे, मतलब ओवरऑल है ना, ओवरऑल आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम शूटिंग में से 3 मेडल जीत सकते हैं। देन एथलेटिक्स की बात करें, देखो एथलेटिक्स में
मे बी हमारा परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में बहुत ही अच्छा है, बट इसके लिए ना गाइस आप कॉमनवेल्थ गेम्स को समझ सकते हो, क्योंकि जो अफ्रीका की जो कंट्रीज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस एथलेटिक्स में। ऑल्सो जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है गाइस हम 2024 पेरिस ओलंपिक में ना दो मेडल जीत सकते हैं, एक से दो मेडल आ सकते हैं एथलेटिक्स में से। एक मेडल तो कंफर्म है कि जेवलिन थ्रो से आ सकता है, जो नीरज चोपड़ा हमें लाएंगे, मे बी गोल्ड हो सकता है। देन किशोर जेना भी है जेवलिन थ्रो की, अगर वो ऐसे परफॉर्मेंस करे ना जैसे एशियन गेम्स में भी किया है तो वो भी एक ब्रॉन्ज मेडल या फिर सिल्वर मेडल के लिए तो एक प्रबल दावेदार बनता है गाइस। ऑल्सो गाइस एक दो एथलीट्स ऐसे भी है जो मेडल जीतने की पॉसिबिलिटीज तो रखते हैं। 300 मीटर स्टेबल चेस्ट में जो अभिनय साबले है, देन पारुल चौधरी जो है वो भी मेडल जीतने की प्रोबेबिलिटी लगता है भाई, बट ना ऐसा भी बहुत ही उन वो लोग पीछे है। तो मुझे लगता है एथलेटिक्स से हम एक दो मेडल ही जीत सकते हैं। देन रेसलिंग की बात करें, रेसलिंग में भी हमारे ओलंपिक में थोड़ा बहुत पकड़ है, तो मुझे लगता है इस रेसलिंग में से भी हम दो मेडल जीत सकते हैं एंड दोनों ब्रॉन्ज मेडल ही मुझे लगता है हो सकता है। एंड बात करें मेडल प्रोबेबिलिटी की ना गाइस, दीपक पुनिया मुझे एक प्रोबेबिलिटी लगता है, अगर बजरंग पुनिया क्वालिफाई करे वो भी लगता है गाइस। आई नो उनकी एशियन गेम्स की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, बट मैं जितना बजरंग पुनिया को देखा है बट लगता है गाइस एक प्रोबेबिलिटी लगता है। देन अंतिम फंगाल है, देन अमन शरावत भी है, तो मुझे लगता है ये चार प्रोबेबिलिटी हो सकता है हमारी मेडल जीतने के लिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में। तो देखो मेंस डबल्स में से ना गाइस हमारी जो आज के टाइम पर वर्ल्ड रैंकिंग है वो नंबर वन पर है, तो मुझे लगता है गाइस इसमें हमारी एक सिल्वर मेडल तो एटलीस्ट आ सकता है। देन मैन सिंगल में से भी हम एक ब्रॉन्ज मेडल तो एटलीस्ट लिफ्ट कर सकते हैं एचएस प्रणोई से। तो यस बैडमिंटन से भी दो मेडल आ सकता है गाइस, एक दो मेडल आ सकता है। देन वेट लिफ्टिंग की बात करें, वेट लिफ्टिंग से थोड़ा बहुत ही कम चांसेस है, मुझे लगता है गाइस वेट लिफ्टिंग में ना गाइस 0-1 मेडल ही आ सकते हैं। एंड अगर मेडल आए ना गाइस तो शायद वो मीराबाई चानू ला सकता है, इसके अलावा और तो मुझे कोई नहीं देखने को मिल रहा है अभी तक। आई नो हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने 10 मेडल जीता था, बट वेट लिफ्टिंग में ना गाइस जो सबसे स्ट्रांगेस्ट टीम है वो एशियन कंट्रीज है, जैसे चाइना, जापान, जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, तो वो है। तो यस देखो वेट लिफ्टिंग में ना गाइस एशियन गेम्स में हमारा कोई मेडल नहीं था, तो इससे आपको अंदाजा लगा चुका होगा कि हमारे वेट लिफ्टिंग में बहुत ही हम कमजोर है गाइस। देन इसके बाद बॉक्सिंग की बात करें, मैं प्रोबेबल 100% श्योर हूँ हम बॉक्सिंग में से एटलीस्ट दो मेडल जीत सकते हैं। एंड दो देखो मुझे लगता है कि सभी के टाइम में ब्रॉन्ज मेडल ही हो सकता है, निकत जरीन एंड लवलीना बोरगोहेन दोनों देखो वर्ल्ड चैंपियन है 2023 की, दे हैव मतलब बहुत ही लक खराब है उनके, अगर वो एशियन गेम्स से कोई गोल्ड नहीं जीत पाया बहुत ही लक खराब है। बट मैं एक इनसे आपको बोलता हूँ ओलंपिक में ना गाइस ब्रॉन्ज मेडल तो एटलीस्ट जीतेंगे ही वो लोग। देन इसके अलावा बात करें तो 8 स्पोर्ट्स हो गया, देन टेनिस में देखो मुझे नहीं लगता कोई मेडल आ सकते हैं। देन इसके अलावा और स्पोर्ट्स की बात करें जिसमें हम मेडल आने की थोड़ा तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी है वो है इक्वेस्ट्रियन। ठीक ओके, तो इक्वेस्ट्रियन की जो डिक्रीज इवेंट है ना इस पे हमारी मेडल आ सकता है, 0-1 मेडल मैंने लिया है कि वो आ सकता है। देन गोल्फ की बात करें, गोल्फ पे भी 0-1 मेडल आ सकता है। देन आर्चरी की बात करें, आई नो इस साल हमारे आर्चरी की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था, हमने 5 गोल्ड मेडल जीता है, बट ना इस पांचों जो गोल्ड मेडल है वो हमने कॉम्पाउंड आर्चरी में से जीता था। एंड आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कॉम्पाउंड आर्चरी है वो ओलंपिक में नहीं है, रिकर्व आर्चरी ही ओनली ओलंपिक में है। एंड रिकर्व आर्चरी से हमारा ज़्यादा मेडल नहीं आया था। एंड बात करें ओलंपिक में तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा कोई मेडल आ सकता है, अगर आएगा भी तो ना गाइस तो 0-1 मेडल ही आ सकता है। तो ना हम बात करते हैं ओवरऑल के बारे में, ओके तो कितना मेडल हम जीत सकते हैं। तो मुझे जितना लगता है ना गाइस हम 10-13 मेडल ही जीत पाएंगे पेरिस ओलंपिक में। एंड बात करें मतलब दिस इज़ माई हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी वो कि 10-13 मेडल ही जीत पाएंगे, इससे ज़्यादा होंगे तो अच्छी बात है। तो अभी की ना जो करेंट सीनरी है इसको देख के मैं बता रहा हूँ कि हम 10-13 मेडल जीत सकते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर तो इसका वीडियो ज़रूर आएगा तो उस टाइम मैं बता दूंगा क्या हो सकता है, बट अभी के टाइम में हम 10-13 मेडल ही जीत सकते हैं। अगर गोल्ड मेडल की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम 2-3 गोल्ड मेडल ही जीत पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सिल्वर मेडल भी हम 2-3 सिल्वर मेडल जीत सकते हैं, 6-9 ब्रॉन्ज मेडल हम जीत सकते हैं। एंड मेरी मानी है ना गाइस देखो टोक्यो ओलंपिक्स से तो ये बेहतर ही है, टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 मेडल जीते हैं, इससे तो बेहतर ही होगा। हम ना गाइस आपको पता है हमारा ओलंपिक में इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों है, मतलब इतना ही खराब परफॉर्मेंस क्यों है कि हम 10 मेडल ही नहीं जीत पाते। जो मुझे जितना मैंने बीते सालों में जितना मैंने समझा है ना गाइस, चाइना में हमने डिफरेंस क्या है, चाइना ना गाइस जो चैंपियंस प्लेयर है उनको प्रोड्यूस करते हैं, एंड हम ना गाइस जो हम इंडियंस है
हम चैंपियंस प्लेयर को खोजते हैं, तो दिस इज द वेरी डिफरेंस थिंग। तो हमें भी ना गाइस चैंपियंस प्लेयर को क्रिएट करना होगा। तो हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? मिलते हैं फ्यूचर के भी कोई वीडियो में। हैव अ गुड।